क्या है वेव? वेव यानी कि यूनिवर्सल एजुकेशन है। गूगल छोड़ दीजिए, आज के टाइम तुम जो इंफॉर्मेशन चाहते हो वो वहाँ अवेलेबल है। जो माला है, माला क्या है? पावर ऑफ मेडिटेशन, ध्यान है। माला फ्लो में चलती है और कौन सी उंगली से चलती है? सतर की। कौन ट्रैक करता है? कौन ट्रैक करता है? ये क्या है? वास्तु पुरुष मंडल में ये क्या है? हेड। तो कौन ट्रैक कर रहा है? क्या तुम्हारे को, तुम क्या उसको कमांड दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस को कि हमारा दिमाग सतर्क की तरफ चलना चाहिए, सात्विक तंत्र की तरफ होना चाहिए? क्या बात समझ में आ रही है? और सतर्क क्या है? नॉलेज, नॉलेज और नॉलेज, इसके अलावा सतर्क कुछ नहीं। भूख कुछ सीखने की, और जिस व्यक्ति में कुछ सीखने की भूख होती है वो व्यक्ति हमेशा अपग्रेडेड रहता है। अब आप सब में सतर्क तत्व है, नहीं तो क्यों आते? सीख तो चुके हो, पढ़ तो चुके हो ऑलरेडी, तो कुछ सीखने की भूख है तुम्हारे। डिस्ट्रेक्शंस क्या है? मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, आप में से कई लोगों को ऐसे स्ट्रेस में स्वर्ग जाने की आदत है, कोई है ऐसा? है कोई जिसको स्ट्रेस में, कोई स्ट्रेस में एक्टिविटी करते हो, पैर ऐसे ऐसे कुछ करते हो, पेन ऐसे ऐसे नहीं करते हो? स्ट्रेस में क्या करते हो? रोते हो? स्ट्रेस होता है तो क्या करते हो बच्चों? कुछ तो करते हो, कोई डांस करता हो, कोई सिगरेट पी लेता हो स्ट्रेस से। मैं लिख के देता हूँ, आप सिगरेट पीना छोड़ दें आपको स्ट्रेस नहीं हो, अगर आप स्ट्रेस के करके सिगरेट पी रहे। अगर आपको ये पैर हिलाने की ऐसे 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 एक कई व्यक्ति होते हैं ऐसे नीचे डेस्क होगा, जो आपके पैर हिल रहे हैं आपकी एंजाइटी रिप्रेजेंट करती है कि आपके घर में ईएसी 100% डिस्टर्ब है। व्हाट सो एवर व्हाट सो एवर, इसके करते कहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है? WNW और नॉर्थ में। तो जिसके पैर हिल रहे हो, नक्शा देखो या ना देखो, ईएसी डिस्टर्ब है। क्या बात समझ में आई? अब कहीं लोग, आप में से कहीं लोग होंगे, अभी ही देख लो जूते में अंगूठा ऐसे अंदर की तरफ मुड़ रहा है किसी का, जूते में किसी का अंगूठा ऐसे अंदर की तरफ मुड़ रहा है, साउथ साउथ ईस्ट डिस्टर्ब मिलेगा। है डिस्टर्ब है? क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल है। अभी क्या है, आपको कब इंट्यूशन है? बॉडी लैंग्वेज बताती है कि व्यक्ति के घर में कहां पर दोष होगा। अब मैं पढ़ा रहा हूं और एक व्यक्ति ऐसे ऊपर की तरफ देखता है, देखते ही जाता है, देखते ही जाता है, आकाश का तो डिस्टर्ब है 110%। वेस्ट में क्या है पता चला, दोष है। कितने लोग हैं जो ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले और वेस्ट डिस्टर्ब है? वेस्ट डिस्टर्ब है, ऊपर ऊपर की तरफ कौन देख रहा था अभी? ऐसे कोई देख रहा था तुम में से ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ कोई देख रहा था? वो तो मैंने नीचे किया था, पर तुम अभी अभी जब मेडिटेशन हुई हो, अभी जब मैं बोल रहा था उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, इस ड्यूरेशन में आप में से कोई व्यक्ति ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा? अच्छा, तुम्हारे घर में वेस्ट किस किस का डिस्टर्ब है? वेस्ट? पक्का? सभी हाथ नीचे कर ले, अखिल को छोड़ के खड़ा। जब मैं पढ़ा रहा था ऊपर देख रहा था ऐसे? सर एक बार नजर गई थी फिर नीचे। हाँ
एक बार गई थी लाइट की तरफ नजर, फिर नीचे। बेटा तेरी तो लाइट की तरफ गई थी ना, मेरी तेरी तरफ गई थी। वैसे डिस्टर्ब है तब क्या है? कोई पेंसिल से ऐसे 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 नचा रहा हो पेंसिल को, तुम पढ़ा रहे हो, तुम लिख लेना वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब मिलेगा। किस किस का वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है? वेस्ट साउथ वेस्ट किस किस का डिस्टर्ब है? भी डिस्टर्ब है? सबको बता दे, सबको बता दे कि पेंसिल कैसे कर रही है। तो तुम बता रहे हो मुझे कि कौन सी दिशा डिस्टर्ब है। पेंसिल क्या है? नॉलेज है, नो हाउ है, एजुकेशन है। दिशा कौन सी है? क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल, लाखों रुपए खर्चने की जरूरत नहीं है। और फिर बॉडी लैंग्वेज पढ़ाई, अरे तुम क्या पढ़ाओगे बॉडी लैंग्वेज? सामने वाह पे जाने रा पे जाने, कोई पढ़ाने की चीज है, समझाने की चीज है। एजुकेशन का सिस्टम होता है, और एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं वाक सिद्धि की, यानी कि वाणी सिद्ध करने की, तो ये बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग माँ सरस्वती की उपासना करें और इनके स्वरूप को हमेशा ध्यान में रखें। इसका ध्यान आ जाए शायद बेटर है, बेटर। क्या नाम बोले? शारदा, सावित्री, वाग, वाणी से रिलेटेड वाग देवी का है। लोटस जो है माता के हाथ में, आइकॉनोग्राफी के माध्यम से इसको समझें कि इसका मतलब ये है कि जो लोग भी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इनका ध्यान करते हैं, इनके बीज मंत्र का जाप करते हैं, वो लोग कोर में, नॉलेज के कोर में जाने में सक्षम होते हैं। आगे हम बात करते हैं वाइट ड्रेस, जो सफेद ड्रेस है, सफेद रंग सतम को रिप्रेजेंट करता है, पीस, शांति। तो देखेंगे कि माता का पूरा स्वरूप जो है, पूरा ड्रेस आसपास का जितना भी है वो सारा वाइट है, यानी कि कौन सा तत्व जागृत है? सतम तत्व। और आपने जब रजस, सतम और तमस, इन तीन तत्वों के बारे में पढ़ा, तो इसमें आपने सतम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, इन्हें नॉलेज की भूख होती है, प्लस ये रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज की डिटेलिंग करते हैं। डिटेलिंग का मतलब क्या हुआ? वो लोटस कोर में जा, क्या कनेक्ट किया, समझ में आ गया। अब चार हाथ है माता के, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या है? आप लोगों का बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट, एडवाइजर, एक्सपर्ट, क्या धर्म है? आप वास्तु ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं, आपके लिए आपका धर्म ये है कि यू मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर क्लाइंट, ये आपका धर्म है, ऑनेस्टी से काम करो। अर्थ क्या है? मीनिंगफुल पैसा लेना। मीनिंगफुल पैसा मतलब जितनी आपकी क्षमताएं हैं, जितने आपके अंदर गुण हैं, जितना आप में कॉन्फिडेंस है, उसी हिसाब से आप क्लाइंट से चार्ज करें। काम क्या है? डिजायर, किसकी डिजायर? तुम्हारी तो पूरी हो गई, पैसे आ गए, बचा कौन? बचा कौन? क्लाइंट। तो किसकी डिजायर पूरी करनी है? और जब क्लाइंट की डिजायर पूरी हो जाए तो उसके बाद का जो फ्लेवर आपको मिलता है, जो वो मैसेज आता है ना, वो मोक्ष है। समझ में आया?
छोटे बच्चे का धर्म क्या है? आइसक्रीम की ठेली देखी और कहा आइसक्रीम खानी है। अर्थ क्या है? उसने पैसे लिए, आइसक्रीम वाले को दिया। काम क्या है? आइसक्रीम रैपर खोला, खाया। फीलिंग क्या आई? वाओ मोक्ष। क्लियर हो गया? पुरुषार्थ है ये चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बीइंग अ कंसल्टेंट, मेक श्योर कि आप लोग अपने क्लाइंट की जो समस्या है उसको बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सुने। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए गए और अपने बस डन। आप लोग मेक श्योर करें कि आप अगर कोई रेमेडी के चार्जेस कर रहे हैं, आप कोई कंसल्टेशन कर रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि आप अपनी कंसल्टेशन का पैसा खूब अच्छे से ले लें, जो आपको लेना है, जो आपकी बात है। और रेमेडी में आप वो रेमेडी लगाएं जो बिल्कुल वर्थ हो। 16 दिशाएं हैं, 32 द्वार हैं, 45 देवता हैं, है ना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 16 में से ये समझें कि 13 दिशाओं में रेमेडी कर रहे हैं। 45 देवता है तो आप कहो दिल मांगे मोर, सारे 45 एक्टिवेट कर दो जी, सब कुछ तो दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पूरा तंत्र कोलैप्स हो जाएगा। 45 के 45 एनर्जी फील्ड्स को हाइपर एक्टिवेट नहीं करना है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, आपने जो मोस्ट रेलेवेंट है, मोस्ट रेलेवेंट कैसे पता चलता है? आप देखेंगे कि आपका क्लाइंट क्या कह रहा है, उसकी क्या डिजायर है, प्रायोरिटी किस चीज की है। जो प्रायोरिटी है उसको कंसीडर करें, पहले उस पर वर्किंग करें। और मैं आपको एक सूत्र देता हूं, एक तंत्र बताता हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो क्लाइंट की जो चेकलिस्ट है वो 50% हो जाएगी। और वो ये है कि आप उसको पहले ये कहें कि आप अपनी अपनी प्रॉब्लम्स जो है उसको एक पेपर पे लिखें, उसके बाद उनके घर पे जाके सिर्फ 3 दिशाएं पकड़ लेना, नॉर्थ ईस्ट, ईएससी और WNW, 3 में तुम काम कराना। मैं तुम्हें लिख कर देता हूं, 50% प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व। कैसे? थोड़ा सा समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो क्लैरिटी की है, माइंड की है। जब व्यक्ति को क्लैरिटी हो जाती है, जब उसको उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, उसे क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे जीवन में करना क्या है, मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। अब उसको ये तो पता चल गया करना क्या है, पर कैसे करना है ये कौन बताता है? ये मंथन करने से पता चलता है कि करना कैसे है। और मंथन की दिशा क्या है? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अगर ये बैलेंस होगी तो उसका मंथन बैलेंस होगा, वो हवाई किले नहीं बनाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद अब उसको जो उसके जीवन में घटित हुआ है, जब तुम उससे बाहर निकाल देते हो तो वो एक नया जीवन जीने के लिए उत्सुक हो जाता है। कोई भी ग्रंथियां उसकी, कोई भी उसका तना मड़ा हुआ, कोई भी ऐसी उसकी पुरानी दिक्कत, वो बाहर कैसे निकलेगा? WNW बैलेंस करके। दिशा क्या है, गुणधर्म क्या है? डिप्रेशन एंड डिटॉक्स। और जब ये 3 डिस्टर्ब हो जाते हैं तो क्या होता है? एक तो मेंटली डिस्टर्ब, किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचने से मेंटल स्ट्रेस हो गया, और उस स्ट्रेस का एक रिजल्ट हुआ WNW कि वो इवेंचुअली ही इज गेटिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन। तो क्या करना है? 3 दिशाएं समझनी है। आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर बता सकते हैं कि इस व्यक्ति में क्या पीड़ाएं होंगी, किसके पीड़ा, ये भी मैं आपको बता सकता। फेस के माध्यम से, उसकी वाणी के माध्यम से, उसकी एक्टिविटी के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति के सुर और असुर दोनों दिखते हैं। एक व्यक्ति ने राजा से कहा कि मेरे पास एक ऐसी चीज है कि तुम्हारा सारा खजाना है एक तरफ और मेरी वो एक चीज एक तरफ। बोले भी ऐसी कैसी चीज है?
बोले कितने किलो की है? बोले किलो किलो की है, बहुत हल्की, बहुत हल्की है राजा जी। आपके यहाँ जो क्रिकेट खेला जाता है ना, उसकी जो स्टैंप वो होती है ऊपर, क्या कहते हैं उसे, क्रिकेट के ऊपर स्टंप्स, उससे भी हल्की है, बेल से भी हल्की है। राजा कहता बेल से हल्की है और मेरा सारा खजाना एक तरफ और ये एक तरफ। कहता सजाए मौत दे दूंगा अगर गलत ऐसे मजे वाले हुए तो, छोड़ूंगा नहीं। खजाना एक तरफ रखा जाता है, ये व्यक्ति आता है अपनी जेब में से एक चौथी हुई चीज निकालता है और पलड़े में रख देता है नीचे। मालूम है क्या? गैस करो, गैस करो, वो छोटी सी चीज क्या थी? तुम सबके पास चमकती हुई चीज, उसके आगे सारी चमक, स्कूल की घंटी में भी ऐसा लगे, उसके आगे सारी चमक फेंक दी। जेब में लेके घूमते हो, मालूम है वो क्या था? इंसान की आंख, वो चमकती हुई आंख थी। इसके आगे बाकी सारी चीजों की चमक फीकी है। क्या बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहूं, तुम्हारी दृष्टा डिसाइड करती है कि तुम क्या परसीव करोगे, तुम देखते कैसे हो वैसा रिकॉर्ड होता है, फिर वैसा ही तंत्र तुम्हारे साथ जुड़ जाता है और वैसा ही तुम्हारे साथ घटित होना शुरू हो जाता है जो तुम देखते हो, है ना? क्या देख रहे हो? तो तुम्हारे साथ इस तंत्र का जो ये सूत्र है ये जुड़ना शुरू हो जाएगा। आइकोनोग्राफी के माध्यम से तुम्हारे को जोड़ा जाता है, है ना? उसके बाद क्या है, हाथ में क्या है? माता के हाथ में एक पुस्तक है, उस पुस्तक